हेलो एवरीवन, दिस इज शर्मिला एंड वी आर कंटिन्यू द टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन विथ टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट। और वी कॉल्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नली आपका हार्ट किस तरह से दिखाई देता है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है हार्ट की, लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर इन दिस वीडियो। फर्स्टली द स्टडी ऑफ हार्ट वी कॉल्ड कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो कार्डियोलॉजी की स्टडी करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर इंटरनल ऑर्गन। ओरिजिन कहाँ से डेवलप हुआ है, हमें पता है कि ह्यूमन बींग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल से, तो तीन जर्म लेयर से हमारी बॉडी बनी है। तो हार्ट जो है हमारा मीजोडर्मल ऑर्गन है, मीजोडर्म से बना है, मीजोडर्मल ऑर्गन। इसके पास कुछ स्पेशल तरह की मसल्स है, उस मसल्स का नाम है कार्डियक मसल। एंड कार्डियक मसल्स आर ओनली फाउंड इन द हार्ट, बॉडी में सिर्फ हार्ट के पास ही आपको मिलेगी। इसके अलावा जो मसल्स इसके पास प्रेजेंट है, दैट इज द मायोग्लोबिन मसल्स और मायोग्लोबिन फाइबर्स वी कॉल्ड। और इस मसल्स और फाइबर्स रेड कलर के हैं, इसलिए हार्ट का कलर हमें रेड दिखाई देता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मायोग्लोबिन पिगमेंट। मायोग्लोबिन पिगमेंट जो मसल्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें हार्ट का कलर रेड दिखाई देता है। ओके, पोजीशन कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है हमारी बॉडी में, लोकेटेड है हमारी सेकेंड एंड सिक्स्थ वर्टेब्रा, रिब्स के बीच में, रिब्स। चेस्ट कैविटी हमने देखी थी बेटा, चेस्ट कैविटी में जो रिब केज है हमारा, उसमें 1 पेयर से लेके 12 पेयर तक आपकी रिब केज होती है। तो सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ वाले रिब के इस पोजीशन के दरमियान आपका हार्ट का लोकेशन रहता है। एक्चुअल पोजीशन है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी या लेफ्ट साइड ऑफ रिब केज हम बोलेंगे। तो इट इज़ नॉट एक्चुअली लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिब केज, इट इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन द सेंटर, सेंटर में कहा जाएगा। बट किस तरह से, क्योंकि हमने देखा था जब लंग्स का स्ट्रक्चर देखा था कि जो लेफ्ट लंग्स है हमारा, लेफ्ट लंग के पास एक नॉच प्रेजेंट रहती है एंड दैट नॉच वी कॉल्ड कार्डियक नॉच। उस नॉच के अंदर आपका हार्ट लोकेटेड है। तो ये है आपका लेफ्ट लंग्स के पास जो नॉच है, दैट नॉच वी कॉल्ड कार्डियक नॉच। और उस कार्डियक नॉच में आपका हार्ट का लोकेशन है। तो वेट ऑफ द हार्ट कितना है आपका, वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट है 300 ग्राम, 300 ग्राम का है। तो 300 ग्राम में से 220 ग्राम जो है ना आपका, वो सेंटर में लोकेटेड है, और सिर्फ 80 ग्राम जो है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। तो 80 ग्राम की वजह से, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होने की वजह से, हमने उसको लेफ्ट साइड में बोला है कि हार्ट का पोजीशन लेफ्ट साइड में है। बट एक्चुअली यह लेफ्ट साइड में नहीं, वो सेंटर में है। ये हमारा स्टर्नम है, आपका हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। एंड वेट हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, पोजीशन हो गई, साइज ऑफ हार्ट, साइज कितना है, फीस्ट जैसा है बेटा हमारा, जितनी हमारी फीस्ट की पोजीशन है मुट्ठी, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा हार्ट। बच्चे की मुट्ठी छोटी रहती है तो बच्चों के बॉडी में छोटा हार्ट, बड़ों की मुट्ठी बड़ी रहती है तो उनकी बॉडी में बड़ा हार्ट। और मैंने इसका वेट बोला, वेट है आपको 300 ग्राम, बट सभी की बॉडी में 300 ग्राम होगा पॉसिबल नहीं है, कोई कोई की हैवी बॉडी रहती है। तो ये नियर अबाउट है 280 से 310 के बीच में,
280 से 310 के बीच में हम किसी का भी ले सकते हैं। सपोज़ किसी के बॉडी में 290 का होगा, किसी के बॉडी में 296 का होगा, किसी के बॉडी में 305 का होगा, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है। बाकी अप्रॉक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द पीपल्स के बॉडी में वो 300 ग्राम तक रहता है। आपका जो बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इन द टेरेस्ट्रियल नॉट, इट इज़ अ एक्वेटिक कंडीशन, दैट इज़ द व्हेल। व्हेल मछली हमें पता है कि बिगेस्ट एनिमल है। इसका हार्ट का वेट कितना है जानते हो आप? बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके हार्ट का वेट है 300 किलोग्राम। सबसे बड़ा हार्ट व्हेल के पास सबसे बड़ा दिल है, क्योंकि इसका हार्ट का वेट 300 किलोग्राम तक आपका होता है। मायोग्लोबिन पिगमेंट होने की वजह से हार्ट का कलर रेड है, हमने देखा। मस्क्यूलर ऑर्गन है, मेसोडर्मल ऑर्गन है। अगर अब हम हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता, बाहर से किस तरह से देखते हैं वो देखेंगे। इन केस ऑफ ह्यूमन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इन ह्यूमन देर इज अ 4-chambered हार्ट। ह्यूमन में 4-chambered है। अलग अलग एनिमल्स में वो अलग अलग रहता है। जैसे हमने पाइसेस में इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था बेटा, पाइसेस में 2-chambered हार्ट है, 1 auricle 1 ventricle। एम्फीबियंस में 3-chambered है, 2 auricles 1 ventricle। रेप्टेलियन में इनकम्प्लीटली 4-chambered है, 2 auricles एंड वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी। बट एव्स एंड मैमल्स में 4-chambered है, जिसमें 2 auricles एंड 2 ventricles आपको दिखाई देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग थिंग से अर्थवर्म जो है ना बेटा, अर्थवर्म के पास 5-chambered हार्ट है। और जो हमारा कॉकरोच है, कॉकरोच के पास 13-chambered हार्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा कॉकरोच की जो बॉडी है वो डिवाइड रहती है नंबर ऑफ पार्ट्स में, और हर एक पार्ट्स में आपको एक एक हार्ट का लोकेशन दिखेगा। तो ऐसे 13-chambered आपके कॉकरोच के हार्ट के पास होते हैं, कॉकरोच की बॉडी के पास होते हैं। तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में हमारा 4-chambered हार्ट है। अपर 2 पार्ट्स वी कॉल द ऑरिकल। तो ये है हमारा राइट ऑरिकल एंड ये हमारा राइट वेंट्रिकल। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय ईच अदर कॉल्ड ऑरिको ऑरियो सेंट्रल सेप्टम, और वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंट्रा वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। वेंट्रल की जो वॉल्स है दीज आर मोर थिक देन द ऑरिकल्स, क्योंकि एक्चुअली जो पंपिंग ऑफ ब्लड होती है वो प्रोसेस वेंट्रिकल्स में हो रही है। तो यहाँ की जो वॉल्स होगी, वेंट्रिकल्स की वॉल, वो थोड़ी मोटी होगी, थोड़ी थिक होगी ऑरिकल्स की तुलना में। एक जो है हमारा मेन पाइपलाइन ऑफ ब्लड दैट वी कॉल्ड वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और ये ओपन हो रहा है हमारा राइट वेंट्रिकल में। और दूसरा है, इसे कहा जाता है अरोटा, ओपन हो रहा है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो ओपनिंग है राइट ऑरिकल की, राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग हो रही है, वहाँ पे 3 गेट रहते हैं एक्चुअली। तो उस गेट को कहा जाता है वॉल्व। तो इस वॉल्व को कहा जाता है आपका ट्राई कस्पिड वॉल्व। ये है ट्राई कस्पिड वॉल्व। एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है दैट वी कॉल्ड बाय कस्पिड वॉल्व। वॉल्व क्या करते हैं, जब हमारा पंपिंग ऑफ ब्लड होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल में, जब हम वर्किंग ऑफ हार्ट देखेंगे उस समय बताएंगे, जब पंपिंग ऑफ ब्लड हो रहा है तो फोर्सफुली ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो उस दौरान आपके बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके ओपन होते हैं और ब्लड का फ्लो करने के लिए जगह देते हैं। देन ये आपका एक वॉल्व वेंट्रिकल से
वेना कावा में आपका ओपन हो रहा है, और दूसरा वॉल्व आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के अंदर ओपन हो रहा है। तो ये जो वॉल्व से इसे कहा जाता है पल्मोनरी वॉल्व, कहा दे इसका नाम ये यहाँ पे देती हूँ ना, पल्मोनरी वॉल्व। और ये अरोटा का जो वॉल्व है इसे कहा जाता है आपका अरोटा वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एंड अरोटा वॉल्व। हमें पता है कि हमारा ह्यूमन बींग में डबल सर्कुलेशन होता है, तो जो अपर वाला सर्कुलेशन होता है मीन्स आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टेरी, एंड फिर देन पल्मोनरी वेन के पास जाएगा, और पल्मोनरी वेन से फिर आएगा लेफ्ट ऑरिकल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। तो यहाँ से ये जो है हमारी, ये है पल्मोनरी आर्टेरी, ये थोड़ा सा मिटा देती हूँ मैं यहाँ से, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टेरी और ये है हमारी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड कैरी करती है और लेफ्ट ऑरिकल में लाती है, जबकि पल्मोनरी आर्टेरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड कलेक्ट करके उसको लंग्स के पास पहुंचाती है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। दिस इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इतना ही आपका, देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों एक्चुअली इसमें आ गए हैं। देन अब वर्किंग ऑफ हार्ट जो आएगा हमें, तो उसके अंदर हम दौरान एक्चुअली जो पंपिंग ऑफ ब्लड की प्रोसेस होते हैं वो देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकली तो ये आपको बाहर से सिर्फ ऐसे ही दिखाई देंगे, एंड जब हम इंटरनली उसका सेक्शन लेंगे तो ऑरिकल और वेंट्रिकल हमें उसको ओपन अप कंडीशन में देखेंगे। तो इट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एज वेल एज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के दौरान हमें और एक चीज़ इसमें ऐड करनी है कि जो वॉल्स है हमारी आर्टेरी और वेन की वो किससे बनी है। एक्चुअली जो आर्टेरी जो ऑरिकल और वेंट्रिकल की, ऑरिकल और वेंट्रिकल की जो वॉल्स है बेटा हमारी, वो तीन लेयर से बनी है। तो जो अंदर वाला लेयर है, देन मिडल लेयर एंड देन आउटर लेयर। तो इनर एयर लेयर को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, मिडल लेयर मेसोकार्डियम एंड आउटर लेयर एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम, मेसोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, ये तीनों लेयर से आपकी इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकुलर वॉल एज वेल एज ऑरिकोसेंट्रल सेप्टम और ऑरिकुलर वॉल, इन तीन लेयर से बनी हुई है। मेसोडर्मल ऑर्गन है, मेसोडर्म से बना है, एंड इट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर हार्ट। आपको एक और चीज़ बतानी है कि हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड लोकेटेड रहता है, दैट वी कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। हम जब इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट देखेंगे उस समय मैं और क्लियर कर दूंगी। थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द WBCs। WBCs को मैच्योर करने का काम आपकी थाइमस ग्लैंड करती है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ द हार्ट, हाउ द वर्किंग ऑफ द हार्ट एक्चुअली टेक्स प्लेस। थैंक यू।